गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे तो आप ये शायद आपको पता होगा कि खिचड़ी के हैं तीन यार, दही घी और अचार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोनों ने प्लान बनाया कि प्ले देखेंगे पृथ्वी थिएटर पे, पृथ्वी थिएटर में मकरंद देशपांडे का। मैं अभी बीच में जाती रहती हूँ तो एक्चुअली बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें और किस किस चीज पे काम करना है। आशीष बहुत टाइम के बाद जा रहा है क्योंकि मैंने उसको फोर्स किया लिटरली कि चल चल चल। ये देखता था पहले, पर बीच में क्योंकि हम वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो फ्लो चला गया था इसका। उसको फोर्स किया कि चल। मकरंद देशपांडे, जिसको पता है वो थिएटर के बहुत बड़े प्ले डायरेक्टर हैं। शो का नाम है सर सर सरला। हाँ। जो काफी फेमस शो है। हाँ। और जो मैंने नहीं देखा बट मैंने बहुत नाम सुना है उसका। हाँ। और बहुत टाइम बाद पृथ्वी थिएटर जा रहा हूँ, तो एक ये है ना कि पहले मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, दिल्ली में थिएटर की है, एक्टिंग सीखी है। तुमने कितने साल सीखी है? मैंने 3 साल दिल्ली में थिएटर किया था। अच्छा। जिसमें मैंने स्ट्रीट प्लेज, स्टेज प्ले सब किया था। उसके बाद मुंबई जाके मैंने अलग अलग वर्कशॉप की थी एक्टिंग की। अभी वापस काफी टाइम हो गया एक्टिंग वर्कशॉप किए हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थिएटर जाऊंगा तो एक बार क्या होता है ना, थिएटर जाते हैं तो वहाँ पे उस सर्कल के लोग मिलते हैं, तो उनसे कनेक्शन होता है, तो फिर आपको पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कौन कौन सी वर्कशॉप चल रही है। तो ये भी एक रीजन है आज प्ले देखने जाने का। अभी ना ये इंडिया भी लंदन, जैसे लंदन में होता है ना, सिंगर्स होते हैं जो अच्छे सिंगर होते, डांसर होते हैं, तो वो स्ट्रीट पे रोड पे अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो आपको मिलते हैं थोड़ी पृथ्वी थिएटर पे, पर आपको वहाँ के थिएटर के दर्शन भी कराएंगे, कैसा थिएटर है, किस तरह के एक्टर्स वहाँ पे आते हैं, सारे के सारे बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं थिएटर प्ले देखने के लिए। तो आपको हम मिलते हैं वहाँ पे, बाय। तो फाइनली हम पृथ्वी थिएटर पहुँच चुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, आपको मिलते हैं बाद में, आपको दिखाता हूँ थिएटर। इंटरवल हो चुका है, दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि थिएटर में अलाउ नहीं करते, बट अभी इंटरवल हो गया 15 मिनट का और बहुत कमाल का शो था, और अभी हम आपको शो ख़त्म होने के बाद बताएंगे कैसा लगा शो। तो आज का प्ले ख़त्म हो गया और प्ले बहुत अच्छा था, और नताशा प्ले के बाद कंटिन्यू रो रही थी, मुझे भी बीच में रोना आया, बीच में बहुत इमोशन थे। आहना कुमरा और मकरंद देशपांडे बहुत कमाल की एक्टिंग की, बहुत कमाल की एक्टिंग की। अब कुछ चीज़ दिखाओ मुंबई में, मुंबई में देखो अभी क्या है, मौसम इतना ठंडा नहीं है, तो मैं नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, लेकिन अंकल जी यहाँ पे आग सेक रहे हैं। अंकल ठंड लग रही है आपको? मतलब ऐसे आग सेकने वाली ठंड है क्या? अच्छा, इसलिए आग लगाई है। मुझे ना पहले पहले ऐसे हंसी आती थी कि दिल्ली की ठंड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, फिर आग क्यों जलाई हुई है। तो ये अंकल बोल रहे हैं कि ठंड के लिए नहीं है, मच्छर भगाने के लिए धुआं कर रखा है यहाँ पे आग के लिए। तो ये मुंबई में ठंड नहीं है, वो मच्छर काटते हैं उनको, इसलिए उन्होंने वहाँ पे आग लगाई है। हिमाचल में तो ये गर्मियों का मौसम होता है ऐसा। इवन मुंबई, गोवा, अगर जितने भी उस साइड जाओगे तो ठंड नहीं लगती है। आप लोग सोचते हो ना ब्लॉग में आ रहे हैं ठंड के टाइम पे, टी शर्ट पहने हुए, क्या चिल मार रहे होंगे ये, है ना। मैं ना नताशा को ना जबरदस्ती ना लिफ्ट से जाने के लिए मना करता हूँ कि लिफ्ट से नहीं जाएंगे, वॉक करेंगे। झूठे, लेकिन ये ना बिल्कुल फिटनेस फ्रीक नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वॉक करूँ, बट लिफ्ट को मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट नताशा मुझे लिफ्ट दे देती है तो फिर मैं चला जाता हूँ। अब हमें भूख लग गई है, मोनिका ने बोला था कि तुम आ रहे हो तो ना क्या कहते खाने के लिए कुछ लेके आना, लेकिन उसने फिर बोला कि मैं ना आलू मटर का पुलाव बना रही हूँ, और ऑब्वियसली आलू मटर पुलाव वो भी घी के साथ, आह दिन बन जाता है। तो देखो वो लगी भी हुई है। मम्मी क्या बना रही है तू? मैं बना रही हूँ आलू मटर पुलाव। देखा, इस आलू मटर पुलाव के चक्कर में हमने बाहर का खाना सारा कैंसिल कर दिया है, और ये देखो आलू मटर पुलाव की का प्रोसेस चालू है। क्योंकि पुलाव ना हम खाते थे दिल्ली में, मेरे मामा जी के घर पे खाते थे हम लोग, बहुत कमाल का बनाते थे वो लोग। उसके बाद मैंने मुंबई में परसों खाया था, उसने बनाया था, बहुत टेस्टी था। इसके साथ मिल जाए प्याज में नींबू डाल के, और इसमें मिला दो घी। घी? वो घी है? अरे यार विदाउट घी टेस्टी नहीं आता। नजर से मंगाऊं घी? गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे तो आप ये शायद आपको पता होगा कि खिचड़ी के हैं तीन यार, खिचड़ी के हैं अचार, नहीं खिचड़ी के दही घी और अचार, दही घी और अचार, दही घी और अचार, दही मंगाओ। तो दही तो नहीं है क्योंकि अभी रात को दही नहीं खाते। अगर अगर पुलाव में अगर आपने थोड़ा सा मिर्ची वाला पुलाव बनाया, लाल मिर्च वाला पुलाव, उसमें अगर आपने एक चम्मच घी डाल दिया, ओहो इतना मजा आता है, इतना टेस्टी लगता है, और साथ में हो सैलेड, खीरा, प्याज कटा हुआ, उसमें नींबू डाला हुआ और चाट मसाला। तो गाइस हमारे पास घी तो है नहीं, और तुम क्या खाओगे नताशा पुलाव में? घी या दही? दही। तो ऑर्डर करो, लेके भाग के जाओ।
बाकी लेके आओ सब कुछ, बाकी जाओ लेके आओ, जाओ। ये दोनों के दोनों बाहर जो भगाने वाला काम मुझसे करवाते हैं। तो 12:30 बजे खाना बना रहे हम रात को, 12:30 बजे सोचो, 12:30 बजे तो बहुत तेज की भूख लग गई। हम थिएटर गए थे, हमने प्ले देखा, 3 घंटे का प्ले था, अब भूख तो लग गई है। और मैंने पता क्या मंगाया है? अरे यार ये बचपन में खाते थे अंकल चिप्स, अंकल चिप्स खाओ, मुंबई में मिलता 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 बहुत ज्यादा। एक चिप्स और है, मैं बताऊंगा नाम आपको, बट आप खा के मोटे जाओगे इसलिए नहीं बताऊंगा, छोड़ो, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव है। तो गाइस हम अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, एक काम करूंगा मैं आपको ना पुलाव का एक बार दिखा दूंगा कैसे बनाए विद प्याज टमाटर, उसके बाद हम ब्लॉग एंड करेंगे, तब तक के लिए आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारा पुलाव बन चुका है फाइनली, और ये हमारी पुलाव की प्लेट है, कितना गर्मी लग रहा है, घी घी नहीं डाला, घी नहीं डाला। अब इसमें एक चम्मच घी जाएगा रखते हुए, चम्मच। इस पुलाव की शेफ है मोनिका बेस्ट, पुलाव को खाने वाला है आशीष पेस्ट, और इस पुलाव में दही डाल के खाएगी नताशा सिंह, क्योंकि ये इसको पुलाव में दही पसंद है, मुझे पुलाव में घी पसंद है। तो गाइस आज मेरे मुझे अच्छी नींद आएगी, थैंक यू सो मच गाइस, और आई होप किसी दिन हम आप मिलके साथ में ये अमेजिंग टेस्टी पुलाव खाए। मोनिका ऑफर दे दे, सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसको बन के बनाया बनाया पुलाव, कुछ भी करके अगर ये वीडियो सबसे ज्यादा हिट होती है, इसमें सबसे ज्यादा कमेंट जिसके होंगे, जिसने सबसे ज्यादा उसको शेयर किया होगा, उसको हम ये पुलाव बना के खिलाएंगे अपने साथ, बिल्कुल ठीक है, और पुलाव की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में।